चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। इस समय बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की हालिया रिलीज हुई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का जलवा पूरे देश में दिखाई दे रहा है। असल में यह फिल्म हर दिन एक नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। सुबह ही हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि इस फिल्म ने देश में करीब करीब 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसके साथ ही यह फिल्म सुपर डुपर हिट की लिस्ट में शामिल होकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसके बाद अब हमारे पास इस फिल्म का ओवरसीज कमाई भी कर रही है जोर शोर से। जी हाँ, जैसे कि इस फिल्म ने देश में धमाल मचा रखा, वैसे इस फिल्म ने विदेश में भी धमाल मचाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सोमवार को करीब करीब 3 करोड़ का कारोबार पूरा किया। इस आंकड़े को यदि रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 15 करोड़ रुपए की कमाई पूरी करती है। अगर हम भारतीय कमाई और विदेश की कमाई जोड़ दें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा करीब करीब 80 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। जहां बाकी कलाकारों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन पूरा करने में स्ट्रगल कर रही है, वहीं अक्षय कुमार की यह फिल्म एक नया कीर्तिमान गढ़ रही है। आपको बता दें कि फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय कुमार ने देश के खुले में शौच करने की समस्या पर बात करने की कोशिश की है। यह फिल्म देश के हर वर्ग को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।